नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। छोटी छोटी बात में एक लेकर आया हूँ, छोटी सी बात। हमने एक फ्लिपकार्ट से पैकेट मंगाया हुआ है और देखते हैं इसके अंदर सही सामान निकलता है या नहीं निकलता। जो मंगाया है वही निकलता है। ये डिलीवरी से आया हुआ है, प्रीपेड पैकेट है। प्रीपेड का मतलब होता है कि इसको हमने पैसा देके मंगवाया है, पहले भुगतान हुआ है, उसके बाद ये आया हुआ है पार्सल। इनके कई डिलीवरी पार्टनर होते हैं, जैसे ये आया है डिलीवरी से, इसी तरह ईकॉम, ई कार्ड, इसी तरह कई सर्विसेज होती हैं। फ्लिपकार्ट की खुद की कोरियर सर्विस यहाँ पे तो उपलब्ध नहीं है। जो COD रहेगा उसमें COD लिखा रहेगा, अमाउंट लिखा रहेगा, कितना पैसा उनको देना है। ये इसको हमने पहले भुगतान कर दिया था, इसीलिए इसमें प्रीपेड लिखा हुआ है। अब देखते हैं जो सामान मंगाया है यही आ रहा है कि नहीं आ रहा आया है। ये चाकू से खोल देते हैं, दर भी खोल देते हैं और ये अनबॉक्स करते हैं। पैकेट फट चुका है और इसको ओपन करेंगे। ओपन कर रहे हैं, वो जो फोन हमने ऑर्डर किया था वही फोन आ गया है। हमारे साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। रेडमी 9 पावर हमने बुक किया था, ये आ गया है। बाकी आप लोग ऑनलाइन खरीदने से बेहतर है कि आप दुकान में जाके खरीदारी करें, वो ज़्यादा सही रहेगा। हाथ में भी देख लेंगे कैसे का प्रोडक्ट है, कितना कैसे क्या कैमरा वमरा चल रहा है फ़ोन के बारे में। दुकान से ज़्यादा खरीदे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन में साफ सुथरा लिखा रहता है। जिसके साथ जो फ्रॉड होता है उसमें साफ साफ लिखा भी रहता है कि कोई माल जैसे डिफेक्टिव प्रोडक्ट रहता है वो भी उसमें सेल होता है और अच्छे प्रोडक्ट भी सेल होते हैं। उसमें डिफेक्टिव वाले में लिखा रहता है, रिफर्बिश फ़ोन लिखा रहता है। कुछ लोग उसी को ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं, फिर कहते हैं कि लोकल आ गया है मोबाइल। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। कोई और जानकारी चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं।